तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो ग्वालियर की जीत के बाद टीम इंडिया ने दिल्ली में भी उन्होंने जीत हासिल कर दिया बांग्लादेश के खिलाफ T20 मैच में। और जो 3 मैच की श्रृंखला थी 2-0 से जीत कर ये वाली श्रृंखला भी उन्होंने जीत ली है। अभी एक मैच और बाकी है, लेकिन लगातार 6 मैचों वो 6 सीरीज वो जीत चुकी है। ऑस्ट्रेलिया बता दूं 7 मैचों की सीरीज जीती थी और इंडिया 6 मैचों की सीरीज जीत गई है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टीम इंडिया को। और मैं बताना चाहूँगा कि इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 221 रन बनाए और 222 रन का टारगेट दिया, लेकिन 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 बांग्लादेश मात्र 135 रन ही बना पाई, मात्र 135 और 86 रन की बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली इंडिया ने। तो क्या हुआ मैं आपको पूरा रिव्यू बताता हूँ शॉर्ट में क्या क्या ब्रीफ हुआ। तो पहले टॉस जो था बांग्लादेश ने जीता और उन्होंने गेंदबाजी का फैसला लिया। तो इंडियंस ओपनर आए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, लेकिन ओपनिंग पार्टनरशिप ज़्यादा देर खड़ी नहीं रही और पहले संजू सैमसन आउट होते हैं फिर अभिषेक शर्मा। संजू सैमसन को थोड़ा सा अपने करियर में ध्यान देना पड़ेगा, लगातार 2 फेल्योर हो चुके हैं उनके, पहले ग्वालियर और यहाँ पर दिल्ली में। तो उनका मेरे ख्याल से आखिरी चांस है वो जो अगला मैच खेला जाएगा, क्योंकि उनके पीछे भाई अभी ध्रुव ज़रेल पीछे बैठे हैं और भी कई प्लेयर ईशान किशन वगैरह भी पीछे बैठे हैं, तो ध्यान रखना पड़ेगा। और अभिषेक शर्मा को प्ले डाउन हो जाते हैं, बोल्ड हो जाते हैं, तो ये दोनों जल्दी आउट हो जाते हैं। फिर दो न्यू कमर नहीं कहेंगे, एक तो रिंकू सिंह है और एक बिल्कुल न्यू कमर नीतीश कुमार रेड्डी। भाई दोनों ने गदर मचा दिया, क्या खेले, और स्पेशली नीतीश कुमार रेड्डी ने तो खड़े खड़े छक्के मारे। भाई ये प्लेयर बहुत तगड़ा है। एक और हमें ऑलराउंडर मेरे ख्याल से मिल चुका है हार्दिक पांड्या, अगर 3-5-6 साल खेलेंगे 4-5 साल उसके बाद ये रॉ टैलेंट मेरे ख्याल से मिल गया है इंडिया को बैटिंग से और बॉलिंग से। मैं नीतीश रेड्डी की बात करूँगा, ये सनराइज हैदराबाद IPL में खेलते हैं, वहीं से इनका सितारा चमका और टीम इंडिया में सिलेक्शन पा ली इन्होंने। इन्होंने जो है बहुत धमाकेदार पारी खेली, इन्होंने 74 रन की पारी खेली मात्र 34 गेंदों में, जिसमें 4 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के थे। और एक ओवर में तो इन्होंने मेहंदी हसन मिराज के 27 रन मार दिए थे एक ओवर में। अगर इनकी स्ट्राइक रेट की बात करें तो 217 का स्ट्राइक रेट रहा और इनका साथ बखूबी रिंकू सिंह ने भी दिया। रिंकू सिंह ने 53 रन मारे मात्र 29 गेंदों में मारे उन्होंने, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो 182 का, बहुत तगड़ा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दिया इन्होंने। साझेदारी की बात करें तो पार्टनरशिप इनकी 108 रन की हुई मात्र 49 गेंदे, 49 गेंदों में इन्होंने 108 रन मार दिए दोनों की साझेदारी में। और एंड में आते आते फिर आपको पता है आइसिंग ऑन द केक किया हार्दिक पांड्या ने 32 रन मारे मात्र 19 गेंदों में। और फिर रियान पराग ने छोटी पारी खेली 15 रनों की पारी खेली मात्र 5 गेंदों में। तो एंड का स्कोर बता दूं मैं, 221 रन मार दिया था और 222 का टारगेट दिया था बांग्लादेश को। और फिर बांग्लादेश आती है बैटिंग करने, तो इनकी शुरुआत भी बिल्कुल फीकी रहती है। पहले अर्शदीप सिंह आउट करते हैं इमाम को पहले ही T20 में आउट कर चुके हैं अर्शदीप, और यहाँ पर भी आउट कर दिया उन्होंने अर्शदीप में, सीधा प्ले डाउन हो गए और बोल्ड कर दिए इमाम को। फिर उनके बाद शांतो भी जल्दी आउट हो गए, शांतो वाशिंगटन सुंदर का शिकार हो गए। फिर उसके बाद लिटन दास, फिर विकटों की झड़ी लगी लिटन दास, फिर मेहंदी हसन मिराज आउट हो गए, फिर हृदय आउट हो गए। सिर्फ महमदुल्ला जो उनके एक्सपीरियंस बल्लेबाज थे वही एंड तक टिक रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने हाफ सेंचुरी जमा नहीं पाई, मात्र 41 रन बनाकर आउट हो गए। और गेंदे भी ज़्यादा खेली उन्होंने, 39 गेंदे खेली। और जो बात करें बांग्लादेश की तो वो सिर्फ 135 रन बना कर 9 आउट हो गए थे और पूरे 20 ओवर खत्म हो गए थे। अगर हम बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई सभी बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही, पूरे के पूरे नंबर देना चाहूँगा मैं बॉलिंग डिपार्टमेंट को। इंडिया ने यानी कि सूर्य कुमार यादव ने 7 बॉलर्स ट्राई किए और 7ों में एक या एक से ज़्यादा विकेट लिया। अगर विकेट की बात करें अर्शदीप सिंह, वाशिंगटन सुंदर, आपके मयंक यादव और आपके रियान पराग, इन्होंने एक एक विकेट लिया। और जो थे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले नीतीश कुमार रेड्डी, 2 विकेट लिए। आप देखोगे बैटिंग में भी इन्होंने 74 रन मारे मात्र 34 गेंदों में और बॉलिंग में भी सर्वाधिक 2 विकेट लिए, बहुत ही तगड़ा रहा। और इंडिया ने ये मैच 86 रन से जीत लिया। अगर कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ मैं इस मैच के दौरान, तो इंडिया ने ये वाला मैच 86 रन से जीत गया लिया है और इंडिया ने ये सबसे बड़ी जीत है बांग्लादेश के खिलाफ। इससे पहले इतने रनों की कोई भी जीत नहीं थी, जीत का मार्जिन सबसे ज़्यादा था ये वाले मैच में 86 रन का। और दूसरा फैक्ट है कि इंडिया ने ये पहली बार 7 गेंदबाजों को यानी कि यूज़ किया और सभी गेंदबाजों ने विकेट ली, एक या एक से ज़्यादा विकेट ली। और पहली बार हुआ है ये हिस्ट्री में T20 की, 7 बॉलर यूज़ किए और सभी ने सभी एक या एक से ज़्यादा विकेट ली। और दूसरा फैक्ट
बताना चाहूँगा कि इस कैलेंडर ईयर में इंडिया का परफॉर्मेंस T20 में बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। अगर हम उनकी विन परसेंटेज की बात करें तो 95.60 की इनकी विन परसेंटेज रही है, और इस साल किसी भी टीम की इतनी विन परसेंटेज नहीं रही। इवन इस साल के हिस्ट्री में भी एक कैलेंडर ईयर में 95.6 की किसी के पास भी इतनी जीत परसेंटेज नहीं है जितनी इस कैलेंडर ईयर में इंडिया की है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टीम इंडिया को 2-0 से ये जो सीरीज़ है अपने नाम कर ली है, और एक नया उभरता हुआ सितारा नीतीश कुमार रेड्डी हमें मिल गया है बैटिंग और बॉलिंग से। बस इसको तराशने की ज़रूरत है भाई, तराशना भी क्या, SRH ने इसको तराश लिया है। बहुत तगड़ा खेले, मात्र 26 गेंदों में अपना पहला 50 इन्होंने पूरा किया, और दूसरी तरफ रिंकू सिंह ने भी 27 गेंदों में 50 पूरी की। और ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, आपका सहारा रहेगा तो वीडियो और आएंगी, देखोगे लाइक करोगे तो थोड़ा सा मोटिवेट और होऊंगा, और मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा रिव्यू की। तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय।